नमस्कार दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम यूपिन में कैसे बुनाई करें ये हम जानेंगे क्रोशिए की मदद से। इसको यूपिन कहते हैं, इसमें कैसे मफलर शॉल आदि बुन सकते हैं ये हम जानेंगे। तो देखिए, ये 5 नंबर का यूपिन है, 4 नंबर 3 नंबर छोटे छोटे भी आते हैं, धागे का काम करना है जैसे भी। तो अभी हम ऊन के लिए हमने ये 5 नंबर का लिया है, ये 5 नंबर का हमने ये लिया। अब हम कैसे शुरू करते हैं इसमें, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, शायद यहाँ पे अच्छा रंग दिखेगा इसमें। ये मैंने ऊन को लिया और इसको मैंने यूपिन के ऊपर ले जाकर और ये यहाँ पर मैंने बांधा है इसको। ये टाइट करके बांधना है, 2 या 3 गांठ आप टाइट करके बांध सकते हैं। इसको बांधने के बाद हम इस गांठ को सेंटर में ले आएंगे, बीच में ले आएंगे। ये जो गांठ है हमारी, इसको हम बीच में ले आएंगे और ये अपने पीछे की तरफ है। इस ऊन को हम लंबा छोड़ेंगे, बाद में हमको छिपाना है, सफाई से छिपाएंगे जिससे। तो अभी हमने इस ऊन को पकड़ा पीछे और ये हम शुरू में 1 या 2 बार, थोड़ा मुश्किल होता है इसको संभालना। तो जो ये पीछे वाली ऊन है, आप देख पा रहे होंगे ये 2 हिस्से हो गए हैं, ये बांधा है। तो जो पीछे वाला लूप का ये है हिस्सा, इसको हम आगे ले आए, ऐसे ट्विस्ट कर लिया इसको हमने, ये ट्विस्ट कर लिया और ट्विस्ट करके हमने इसमें से ऊन से एक लूप बना लिया, जैसे क्रोशिए का लूप होता है। आप एक बार फिर से उसमें बुन सकते हैं। इसको हमने ढीला छोड़ा, इसको यहाँ पकड़ेंगे अभी और इसको हम यहाँ घुमाएंगे यूपिन को, और इस जो लूप है हमारा इसमें क्रोशिया डालेंगे और इसको टाइट करेंगे, लूप को टाइट करेंगे इतना कि क्रोशिया गिरे ना। और फिर जो यहाँ पर सबसे ऊपर की ऊन है, सबसे ऊपर की जो ऊन होती है, अभी तो एक ही है, आगे जब होगी तो उसमें से निकाल के ये 2 का 1 किया। ये मैंने ये क्रोशिया, ये लूप बड़ा छोड़ा, ऊन घुमाई यूपिन के ऊपर से, लूप में क्रोशिया डाला, इसको टाइट किया और जो सबसे ऊपर की ऊन है उसमें से क्रोशिया डाल के निकाला और ये 2 का 1 कर दिया। बस इतनी सी बात है ये, लेकिन क्या क्या सावधानी बरतनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये हम फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पीछे है, ये हमारा पीछे है, हमने ये यूपिन को घुमाया और हम यहाँ पर आए, पकड़ा इसको और यहाँ पर हमने लूप में डाला। और जो यहाँ पर ये सबसे ऊंची वाली, सबसे ऊपर की जो ऊन है उसमें से ये डाल के और ये हमने बुन दिया। तो इस तरह से बुनते हुए हम जाएंगे। तो ये फिर जब बहुत लंबा हो जाता है तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको हमें कैसे, ये तो शुरुआत करने की बात हो गई, इसको आप बाद में देख सकते हैं अपने आप। इसको मैं अभी बंद करती हूँ। अब ये जैसे दूसरा है जो मैंने बना रखा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, एक तो इसमें मैं आपको थोड़ा जोड़ना बताऊंगी। जैसे हमने ये बुन रखा है लंबा, ये थोड़ा लंबा हो गया, तो अब देखिए ये ऐसे गोल गोल घूमता जाएगा। तो ये गोल गोल ना घूमे, उससे तो यहाँ ट्विस्ट आ जाता है, खराब हो जाता है, वो तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये गोल गोल ना घूमे, इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने ये अंदाज मान लिया कि ये हमारा 8 इंच है और हमको जितना भी बुनना है, तो एक तो ये सुविधा होती है कि हम पहले इसको गिन लें, 8 इंच हमारा बुन गया है। तो हम इसको फिर यहाँ पर, इसको देखिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे लपेट लेते हैं, सीधा सीधा इसको हम लपेटते जाते हैं और लपेटते हुए हम आते हैं यहाँ पर और इसमें हम यहाँ सेफ्टी पिन लेकर, ये सेफ्टी पिन लेकर हम इसमें यहाँ से थोड़ा सा सावधानी से लेते हुए और ये ऊपर की तरफ लगा के इसमें हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जितना हमारा बुनता जाता है उतना हमारा ऐसे लटक जाता है, तो जब हम बाद में जोड़ते हैं तो वो सीधे से जुड़ जाता है। अब रही बात कि ये हमारा बुना हुआ है, तो जब भी हमारा बुना हुआ होता है और उसमें हम जब डालते हैं दोबारा से यूपिन, तो हमको 1-2 ये खोल लेने चाहिए, उससे वो ठीक रहता है। नहीं तो तब भी बिना खोले हुए जब हम यूपिन डालते हैं तो तब भी थोड़ी वो अच्छापन नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये हमने खोला और ये यहाँ पर हमने इसमें दोबारा से बुनने के लिए हमने इसमें यूपिन डाली है। अब देखिए, ये मेरी यूपिन पड़ी है। तो एक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसको, जो हमने ऊन जोड़ी है इसको कैसे छिपाएंगे हम। तो देखिए, ये बिल्कुल जो सेंटर वाली लाइन थी हमारी, उस पर हमने ये ऊन को जोड़ा है। तो ये अब मैंने लिया और इसको मैं घूमी, यहाँ पर मेरा ये है और ये मैंने यहाँ पर आकर सबसे ऊपर वाली ऊन में से, जो एक ही है अभी, इसमें से मैंने निकाला और ये मैंने बुन दिया।
अब जो ये हमारी ऊन है इसको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे यहाँ, या तो मैं अभी मुड़कर आती हूँ। चलिए मैं ये मुड़कर आई हूँ, अभी इसको यहीं छोड़ते हैं। ये मैं मुड़कर आई और यहाँ से अब ये इसको जो पीछे से है हमारी ये जो ये अधूरी सी जो ऊन है जो इसको हमने लंबा रखा है जोड़कर, इसको मैं आगे ले आती हूँ। तो आगे लाने के बाद अब मैं इसको यहाँ दबा लूँगी अंगूठे से, और उसके बाद में फिर से ऊपर वाले हिस्से में बुन दूंगी। फिर मैंने ये घुमाया, क्रोशिया डाला, लूप को टाइट करा। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, इतना टाइट हो जाए कि क्रोशिया गिरे ना। लूप को टाइट करा और सबसे फिर जो ये मेरे पीछे ऊन पड़ी हुई है जिसको मुझे छिपाना है उसको मैं फिर से आगे ले आती हूँ। आगे पकड़ लेती हूँ मैं और मैं अपना फिर से ये लूप बनाना शुरू करूँगी। देखिए इसको हेयर पिन भी कहते हैं, ये जो यूपिन है हम इसको यूपिन कह रहे हैं, इसको हेयर पिन भी कहते हैं। तो ये मेरा फिर पीछे है, इसको मैं आगे ले आती हूँ फिर से। तो इस तरह से ये दबता जा रहा है, इससे ये सफाई रहती है। अभी तो दो रंग का है, एक रंग का होता है तो ये बहुत सफाई से हो जाता है। तो ये हमारा बुनने का हुआ, इस तरह से हम बुनते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसको फिर ज्वाइन कैसे करते हैं। जैसे हमको ये जितनी भी लंबाई रखनी है लगभग उस लंबाई की हम बुन लेते हैं पट्टियाँ, और फिर उसको हम जोड़ते हैं। और जोड़ने में जब लास्ट में हमको एडजस्ट करना पड़ता है कि दोनों पट्टियाँ बराबर हों। तो देखिए ये जैसे मेरी एक पट्टी है और ये मेरी दूसरी पट्टी है, तो ये जो धागा है इसको हम किनारी में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ज्वाइन करना बता देती हूँ कि देखिए, या तो हम चार लूप लेकर, इनको हम लूप बोल रहे हैं, तो या तो हम चार लूप लेकर जोड़ेंगे या तीन लूप लेकर। अभी मैं तीन लूप लेकर ही जोड़ रही हूँ, तो तीन मैंने यहाँ से लिए और मैंने तीन यहाँ से लिए। इन ये सब सीधे हों, ट्विस्टेड ना हो, सिकुड़े हुए ना हो, मुड़े हुए ना हो, और एक में से दूसरे को निकाल दिया। अब देखिए अब इसका मैं पीछे वाला हिस्सा ले आती हूँ और फिर मुझे गुलाबी में से लेना है। अभी गुलाबी में से लिया मैंने, इसको सफ़ेद में से निकाल दिया। तो देखिए ये मेरा पीछे का हिस्सा है क्रोशिए का, है ना, ये नोक वाला है। तो एक बार मैं इधर अब इसको नोक वाले में ले आती हूँ मैं। अब नोक वाले में लाती हूँ और मुझे सफ़ेद लेना है। आप इसको राइट लेफ्ट करेंगे जब, तो मैंने सफ़ेद में से लिया और मैं क्रोशियों को खिसका के अब पीछे वाले हिस्से में ले गई, और उससे मैंने इससे मैंने उठाया तीन को। फिर तो इस तरह से ये ज्वाइन होता है। इससे क्या होता है, इस या तो फिर दूसरा एक तरीका होता है। मेन बात ये है कि जो ये लूप है ये ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, ये मुड़ने नहीं चाहिए। तो जब ये सीधे रहते हैं तभी ये अच्छापन आता है। तो इस तरह से जोड़ते हुए हम जाते हैं, और लास्ट में जब हम पहुंचते हैं, अगर हमारा छोटा बड़ा हो रहा होता है तो हमको दोबारा बुनना है, और या तो हमको उधेड़ के बराबर करना है। तो ये जैसे मैंने बंद कर रखा है, तो आपको लगता है कि छोटा करना है तो यहाँ से खोल के थोड़ा छोटा करके आप बंद कर सकते हैं। तो ये तो इस तरह से हम एक दो तीन चार पाँच जितनी भी पट्टियाँ जोड़ना चाहें उतनी जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद इसकी किनारी हम कैसे करते हैं, देखिए ये जो किनारा है तो यहाँ भी मैं तीन से ही करती हूँ। ये पहली बार मैंने तीन लिया है, पीछे रखा है, और आगे एक और तीन लिए मैंने। तो पहले वाले तीन में से दूसरे वाले तीन को निकाल दिया। फिर मैंने एक और अगले आगे जाके तीन लिए हैं मैंने, ये ट्विस्ट ना हो बस ये ख्याल रखना है, और फिर ये पहले में से दूसरे को निकालना है। तो इस तरह से करते हुए हम ये बहुत सुंदर सी किनारी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मफलर बन जाता है, शॉल बन जाती है। तो ये हमारी किनारी बन जाती है सुंदर सी। तो ये आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या दूर कर सकें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर आदि का ध्यान रखें। धन्यवाद। ये एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये हम बुन रहे हैं, और इस बुनने में जब हमने इसको निकालेंगे, जब हम बंद करेंगे हमारी लाइन पूरी हो जाएगी, तो ये हम इसमें से ये जो लास्ट वाला लूप है इसमें से हम इस ऊन को निकाल के और इसको बंद कर देते हैं। इस तरह से ये बंद होता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।